सजा सुनाई जाएगी। ग्यारह साल पहले हुए तहलका मामले में शुक्रवार को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को दोषी करार दे दिया। बंगारू लक्ष्मण पर फर्जी हथियार डीलर से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था। साल 2001 में सामने आए इस मामले में बंगारू लक्ष्मण पर आरोप था कि उन्होंने फर्जी हथियार डीलर से रिश्वत इसीलिए ली थी ताकि वो रक्षा मंत्रालय से उस डीलर को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश कर सके। कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद 72 साल के बंगारू लक्ष्मण को तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें शनिवार को कोर्ट में सुबह 10:30 बजे पेश किया जाएगा, जहां उन्हें सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट ने लक्ष्मण की जमानत अर्जी पर सुनवाई से भी इनकार कर दिया और कहा कि सजा के ऐलान के बाद ही वो जमानत अर्जी पर कोई फैसला करेगी। भाजपा अब इस मामले पर किनारा करती नजर आ रही है। आज जो फैसला आया है ये उनके व्यक्तिगत आचरण पर कोर्ट का फैसला है। वहीं इस मसले पर कांग्रेस ने भाजपा पर वार करने का मौका नहीं गवाया। पार्टी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दोषी पाए गए हैं और इससे भाजपा को सबक लेने की जरूरत है। डिस्पाइट दैट रेमेडी बीइंग अवेलेबल, कन्विक्शन ऑफ द फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट आई थिंक शुड सर्व एज अ लेसन टू द बीजेपी दैट दोज हू लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। साल 2001 में तहलका.com ने रक्षा सौदों में धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें बंगारू लक्ष्मण को रिश्वत लेते दिखाया गया था। तहलका के स्टिंग ऑपरेशन की वजह से भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनआई न्यूज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने आज प्रधानमंत्री निवास पर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में ग्लोबल और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। मून ने मुलाकात के दौरान जन स्वास्थ्य और देश के दृढ़ विकास पर भारत के प्रयासों की तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत से पूरे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और प्रयास करने को कहा। मून ने भारत को ग्लोबल और क्षेत्रीय ताकत बताया और पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखने के लिए हल निकाल लेगा। 4 दिनों के भारत दौरे पर आए बान की मून को आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया। मून कल से भारत दौरे पर हैं। इंडिया इज अ मेजर पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड आई एम श्योर टू कीप प्रूव आवर रिलेशनशिप। इंडिया इज करंटली ऑन एक्टिव member of the Security Council. I look forward to discussing a wide range of issues across our agenda of peace and security and development and human rights. We have discussed on the sustainable development and matters of our common concern on peace and security. The situations in this region, Sri Lanka, Nepal, and also encouraging the relationship between India and Pakistan, and also how to help this further democratization of Myanmar. और अब रुख करते हैं हरियाणा की खबरों का। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जा सके, इसके लिए हरियाणा सरकार स्कूलों का प्रबंध अपने हाथों में लेने की तैयारी कर रही है। पंचकुला एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने यह जानकारी दी। गीता भुक्कल ने कहा कि इस तरह से इन स्कूलों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी। बहुत सी मैनेजमेंट ने हमें लिखकर दिया है कि आप हमें टेक ओवर कर लें और बातचीत जारी है। इसमें फाइनली माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। देखिए, बहुत से एडेड स्कूल्स हैं जो कि अपना फीस स्ट्रक्चर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, भर्तियां नहीं कर पा रहे हैं, नए टीचर्स चाहे वो टीचिंग हो नॉन टीचिंग हो नहीं कर पा रहे थे। एडेड स्कूल्स को गवर्नमेंट जब टेक ओवर कर लेगी तो उसमें स्टाफ उनका टेक ओवर हो जाएगा जिनकी एड के थ्रू हम सैलरी देते थे, उसके बाद वो फ्री हैं, लेकिन उसमें कंडीशन साथ में है कि 30 साल तक वो स्कूल जरूर चलाएंगे। हरियाणा के किसानों द्वारा गेहूं की खरीद पर नाराजगी जताने के बाद आज राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह करनाल की मंडी पहुंचे।